ग्रीटिंग्स चेतावकाधीश, तो आज हमारा टॉपिक है इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। हमने लिए तीन ऑब्जेक्ट, टैरो है, लव मैसेजेस हैं एंड सर्कल ओरेकल। लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरुआत करते हैं हम टैरो से। ठीक है, ये जो टैरो के कार्ड्स हैं वो चमकते हैं गोल्डन, उसको थोड़ा सा लेमिनेशन हमें दिखता है साइड से। ओके, सो लेट्स सी, चलो देखते हैं इस कार्ड से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। चलो, दो कार्ड्स तो मिल चुके हैं, द चैरियट आ गया है, फिर आ गया है भाई द हायरोफंट, सॉरी मैजिशियन, फिर आ गया है ये फाइव ऑफ कप्स एंड देन वी गॉट द सिक्स ऑफ कप्स। ठीक है, चार कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं। ओके, पाँच छः और ये सात कार्ड। ठीक है, सात कार्ड सेटिंग करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर आ गया है कि सात आठ कार्ड्स आ चुके हैं, द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनल जो है वो है भाई सेवन ऑफ पेंटिकल्स। चलो, एक और कार्ड अगर मिला तो हम उसे देखते हैं, या फिर आठ ही काफ़ी होंगे। चलो, पहले मैं इसे कार्ड को रखता हूँ ताकि रीडिंग करने के लिए हमें आसानी हो जाए। ठीक है, एक्स्ट्रा कार्ड ले लेते हैं जो कि हम लास्ट में यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी, चलो ओके, लास्ट में देखेंगे ये कार्ड क्या है। शुरुआत जो हमें दिख रही है वो है द चैरियट से, एंड अगर हम इसको देखें तो ये है कैंसर, कर्क राशि का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दैट इज, ये देखो यहाँ पे चमक रहा है ऐसा कार्ड। तो अगर हम इस कार्ड की बात करें तो जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर होती है कि ये व्यक्ति जो है वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना कि कई बार हम कोशिश तो करते हैं कि भाई कैसे कनेक्ट करें किसी के बारे में, हाँ हम उनसे दूर रह सकते हैं या फिर नहीं मुझे कनेक्ट करना है फ़ोन के थ्रू वगैरह, तो वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। चैरियट मतलब क्या था कि बेसिकली जो आपको मे बी सिर्फ यही एक दिख रहा है, ये भी एक है। ठीक है, सो ये दोनों हैं एंड यहाँ पे दोनों को कंट्रोल करना है, यानी कि ये हमारे मन की अवस्था होती है। एक मन कहता है कि नहीं भाई, मुझे तो कम्युनिकेट करना है, मुझे अभी के अभी बात करनी है, और एक मन कहता है कि नहीं, मैं सुबह बात करूँगा, कल दोपहर बात करूँगा, यू नो। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे फिर देखने को मिलती हैं। दैट इज़ द मेन, याद पहले तो करना है कि कई बार क्या होता है ना कि हमें मन में तो लगता है कि नहीं हम अभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते, तो लगता है कि अभी नहीं हम कल कॉन्टैक्ट कर सकते, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा ये जो पर्सन है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि एग्जैक्टली करे तो क्या करे। सेकेंड जो कार्ड है द मैजिशियन, मतलब कि भाई ये कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको लग रहा है कि मेरा जादू हर वक्त चलेगा और शायद काफ़ी लोगों पे चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में, इनके ज़िंदगी में भी थर्ड पर्सन है, या फिर इनका जो नेचर है वो फ्लैटिशियस नेचर है, या फिर कभी भी कम बैक करते हैं एंड एक ज़रा सी स्माइल देते हैं एंड आप उनके स्माइल पे यू नो फिदा हो जाते हो, तो ये वो चीज़ है। इनको लगता है कि भाई चाहे ये जो भी करें, गुस्सा करे ना करे, कॉन्टैक्ट करे ना करे, फिर भी अगर वो कम बैक करते हैं, बस एक स्माइल करते हैं, तो आप डेफिनेटली इस पर्सन को फर्गीव करोगे। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। अगला जो कार्ड है फाइव ऑफ कप्स, कैसेस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो ये एक इशारा दिख रहा है इस व्यक्ति का जो काफ़ी मायूस सा दिख रहा है एंड काफ़ी असमंजस स्थिति में, जिसको मे भी आपकी सख्त ज़रूरत है और वो जो चाहता है कि आप इनकी ज़िंदगी में आए। कैसेस, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, वाटर साइन, एंड इस कार्ड को अगर हम देखें तो ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो बेसिकली चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना। अब मे बी ये ऑलरेडी आपके एक्स बन चुके हैं और आपका कहना है कि एक्स से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, या फिर ऐसे लोग हैं जो शायद वन साइडेड लव में हैं। ओके, मे बी आपको पता भी नहीं कि आपको प्यार करते हैं, शायद आप इनके क्रश बन चुके हो, या फिर अगर हम बात करते हैं तो ये पर्सन और आपका झगड़ा हो चुका है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक और नज़रिया दिखता है यहाँ पे कि समबडी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन यू, आपको एज अ फ्रेंड पाके पर्सन काफ़ी खुश हैं। मे बी आप उनके लैब पार्टनर हो, या फिर आप उनके कलीग हो, ठीक है, या फिर आप दोनों ने बिजनेस साथ में स्टार्ट किया है, या फिर आप जॉब में इकट्ठा काम कर रहे हो, तो बेसिकली जब ये आपको हेल्प करते हैं या फिर आपसे हेल्प लेते हैं तो काफ़ी अच्छा फील करते हैं। उनको आप में एक लॉयल व्यक्ति दिखता है, प्रामाणिक व्यक्ति दिखता है कि भाई ऐसा व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, एंड मे बी आपकी जिस तरह की काम करने की हैबिट है वो उनको काफ़ी पसंद है।
अगला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वांड्स, एरीज इजली वो सैच की है फायर साइन की एनर्जी। यहाँ पे पर्सन जो है वो आई थिंक कहीं ना कहीं नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड है, जिसको ट्रैकिंग हाइकिंग काफ़ी पसंद है, या फिर जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव करता है। मतलब ये ऐसा व्यक्ति कि जो बस मुलाकात हुई तो शादी नहीं, बल्कि भी हम कई और साल तक इंतज़ार कर सकते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो बेसिकली आपके साथ प्यार में है, आप भी मे भी इनके साथ प्यार में हो, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो कहता है कि हाँ वी कैन इवन कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप फॉरएवर। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती हैं, यानी कि काफ़ी हद तक वेट करना वो चीज़ यहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो एकदम मून पाइसिस साइन मीन राशि। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये व्यक्ति जो है वो ख्यालों में खोया हुआ, कहीं ना कहीं ख्यालों में कुछ चीज़ें करता हुआ, आपसे पूछता हुआ कि आप अभी क्या कर रहे हो, आपकी सोच क्या है, यू नो, एंड कुछ नॉटी से ख्याल कि आप इनसे इनके बारे में क्या सोच रहे हो, किस तरह के सपने दिखते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें काफ़ी हद तक दिख जाती है। अगला जो कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो एक ऐसा व्यक्ति भी है यहाँ पे जो बेसिकली बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी हैं एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या डाउन टू अर्थ है। उसे हर चीज़ जो है वो मतलब कहते हैं ना कि हर चीज़ जो है वो एक टिपिकल चाहिए। ओके, जैसे कि आप घर बनाते हो ईंट से ईंट लगा के, उसी तरह से हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। तो परफेक्शन यहाँ पे दिखता है, यानी कि भाई ये इतने बजे तक ही कॉल करेंगे, इतने बजे के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए किसी भी सोशल मीडिया पे, या फिर आपकी पोस्ट किस तरह के होगी। तो कहीं ना कहीं जजमेंट तो दिखता है इस व्यक्ति का, हालांकि आपको बता दिया है इस व्यक्ति ने कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या नहीं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शादी के बाद जज करना स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। अगला जो कार्ड है वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बिलीव करते हैं यूनिवर्स पे या फिर किस्मत पे, कि भाई किस्मत अगर मेहरबान हो तो आप चाहे एक सिक्वेना बन चुके हो डेफिनेटली मिलेंगे, और किस्मत ने अगर चाहा है तो आप कितनी भी कोशिश क्यों ना करें आप शायद साथ नहीं आ सकती, कहीं ना कहीं इनकी सोच है। जो नेक्स्ट कार्ड मैंने लिया था वो आ गया है फाइनली जो कि है जजमेंट। ये एक मोमेंट है जहाँ पे पर्सन ऑलरेडी जज कर चुका है, ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की एंडिंग दिख रही है किसी के हिसाब से, कि भाई अगर आप में भी आपने भी अगर ये डिसाइड कर लेगी अगर ये व्यक्ति दोबारा फ़ोन करेगा तो मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगी, तो वो चीज़ क्लियर है। मतलब कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक डिसीजन ले लिया है कि इससे आगे हम कुछ करेंगे ही नहीं। ओके, जैसे कि कहते हैं ना कि भाई मान लो गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया तो गाड़ी आगे चलेगी ही नहीं, बिल्कुल वैसे ही। तो मे बी इस पर्सन ने जो भी डिसीजन लिया है, कॉल करना है नहीं करना है, उसके बारे में जो भी डिसीजन है वो ऑलरेडी इस पर्सन ने ले लिए हैं। अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या लव मैसेजेस दिखते हैं, इनमें से कौन सी आपसे ज़्यादा बहुत कनेक्ट करते हैं, या आप डायरेक्टली कमेंट करके भी बात कर सकते हो। आई लव यू, ये पहला कार्ड है। सो यहाँ पे ये पर्सन जो है एक्सप्रेस करता हुआ दिख रहा है, एंड ये जुनूनियत सवार इस पर्सन के ऊपर, ये चाहता है कि हर वक्त आपसे कनेक्ट करे, बताए कि आपको कितना प्यार करता है। सेकेंड जो कार्ड है मैजिक, मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर, जब आप दोनों साथ में होते हो तो जादू खिलता है ना, मतलब कि काफ़ी लोग भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मे बी आप दोनों की स्माइल बहुत अच्छी है, आप दोनों बहुत अच्छे दिखते भी हो, वो चीज़ आती है। एडोरेबल, यू आर सच एडोरेबल पर्सन, यानी कि जब दोनों साथ में आते हो एंड आप अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को देखते हो, या फिर जिस तरह की आपके एक्सप्रेशन है, बहुत क्यूट दिखते हो। मे बी ये स्पेसिफिक अटायर जो मैं बोल रहा हूँ वो शायद 18 साल के जो मतलब है ना लोग, शायद उनसे ज़्यादा कनेक्ट हो सकता है, बट डिपेंड्स ऑन, ये चलता रहेगा चाहे फिर आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि दिल में प्यार है तो वो डेफिनेटली झलकेगा ही। जो अगला कार्ड है एंडियरिंग, यू हैव सच एन एंडियरिंग पर्सनैलिटी, आप चाहे शादी में जा रहे हो, साथ जा रहे हो, या फिर कि आपकी शादी को 40-50 साल हो गए, लेकिन आज भी जब आप साथ में कहीं ना कहीं खुद एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हो तो लोग आपकी तरफ देखते हैं कि भाई क्या कपल है, यू नो, वो चीज़ आती है यहाँ पे। गिफ्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी, तो ये पर्सन जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि ये आप इनको मिले, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। सो ये एक खुशी भरी जिंदगी ये जी रहे हैं। जो अगला कार्ड है वो जाने अनजाने, तो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे सूझबूझ काम नहीं आती, मुंह से कोई शब्द निकल जाता है एंड वो दिल को चुभता है। तो ऐसी कोई चीज़ हुई है, गलती हुई है, तो उसके लिए माफ़ी मांग सकते भी हैं, नहीं भी, लेकिन एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जाने अनजाने में हुआ, मैंने कुछ दिल से नहीं किया। सेकेंड जो कार्ड, हाँ ये व्यक्ति रो भी रहा है,
ऐसे भी कुछ लोग हैं जो एक्चुअली रो रहे हैं, उनको नहीं पता कि कमबैक कैसे करना है, और अगर कमबैक करना भी चाहते हो और आपने अगर दरवाजे बंद कर दिए हैं तो नेक्स्ट क्या होगा इनको नहीं पता। थर्ड जो कार्ड है वो है राह देखना। तो ये जो लोग हैं ये आपकी राह देख रहे हैं कि मैं भी ये कॉल नहीं कर रहे लेकिन शायद आप कॉल करें। आप इनको बताएं कि आप इनको कितना ज़्यादा चाहते हो, पल भर के लिए सही आप इनसे कम्युनिकेट करें या फिर आप इनके सामने आ जाएं, ऐसा इनके ख्यालात हैं। जो फाइनल कार्ड है वही तुम्हारी चाह। यस, ये पर्सन आपकी चाहत में है लेकिन आप ये कितना समझेंगे और कितना नहीं ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट टू सेंट।